वेलकम टू टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सातवां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो सातवां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि ऋण माफी और सुखाड़ राहत योजना का संबंध किस राज्य से है? तो कृषि ऋण माफी और सुखाड़ राहत योजना का संबंध झारखंड से है। किसे है? झारखंड राज्य से है। और सुखाड़ राहत योजना मतलब ये है कि अकाल पड़ जाता है उसके दौरान सरकार के द्वारा कुछ सहायता राशि दी जाती है किसानों को, ठीक है, उसी योजना का नाम है सुखाड़ राहत योजना। नेक्स्ट है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो हाल ही के अंदर नेपाल के अंदर चुनाव हुए हैं और नेपाल हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी देश है, ठीक है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अपनी है, भारत की है। और नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो रामचंद्र कुंडेला नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनुपमा उपाध्याय ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीत लिया है। किसने? अनुपमा उपाध्याय ने। नेक्स्ट है, नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण किसने शुरू किया है? तो नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण राजनाथ सिंह ने शुरू किया है और राजनाथ सिंह वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर है। कौन है? रक्षा मंत्री है। तो पहले गृह मंत्री थे और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन, बान थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? बान थुओंग। नेक्स्ट है, बेटी है अनमोल योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और बेटी है अनमोल योजना क्योंकि हाल ही में जंतर मंतर पर धरना समाप्त कर दिया है पहलवानों का, उनको उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, उनके साथ जो बर्ताव किया गया वो भी दयनीय था, ठीक है। एक ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार भारत जैसे देश में होना बहुत ही शर्मनाक है, ठीक है। तो इसी मतलब इस इंसिडेंट और इस न्यूज में और ऐसे वातावरण में ऐसे वाले क्वेश्चन जो बनते ही हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। बोला टिनुबू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो नाइजीरिया का। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इनको आप हटा भी सकते हैं। ये आपके लिए जो वनडे एग्जाम वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और जिनके अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आते हैं ना उनके लिए इंपॉर्टेंट है ऐसे वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भूमचू उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो भूमचू उत्सव सिक्किम के अंदर संपन्न हुआ है। कहाँ पर? सिक्किम के अंदर। आपको पता है सिक्किम की जो अवस्थिति है वो ऐसी होती है, और इधर कौन है? नेपाल है, और इधर कौन है? भूटान है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। कितने मार्च को? 4 मार्च को मनाया जाता है। तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।